और क्रिसमस पार्टी की तैयारी करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मिहिर की बात सुनकर निखिल ने हैरान होते हुए कहा, अरे लेकिन अब जा कहाँ रहे हैं? मिहिर ने बिना किसी झिझक के उससे कहा, मैं वापस ओल्ड सिटी जा रहा हूँ और मिस्टर चेतन के बारे में सब कुछ पता कर लूंगा और उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट में जरूर शामिल करूंगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मिहिर की बात सुनकर निखिल तुरंत कार से उतर गया और मिहिर ने वापस अपनी कार ओल्ड सिटी की तरफ घुमा ली। मिहिर को जाते देखकर निखिल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वही तो मैं सोचूं मिहिर सर इतनी आसानी से कैसे ओल्ड सिटी से वापस जाने लगे। चलो खैर, अब मैं सीधे एम्ब्रॉयडरी सेंटर जाकर क्रिसमस पार्टी की बात सबको बताता हूं। निखिल ने उस जगह से कैब बुक की और सीधे एम्ब्रॉयडरी सेंटर के लिए निकल गया। एम्ब्रॉयडरी सेंटर में धरा हरमन के साथ बैठकर किसी ऑर्डर पर बात कर रही थी। धरा जैसे ही बात खत्म करके अपने केबिन की तरफ जाने के लिए उठी, वैसे ही हरमन के केबिन का दरवाजा खोला और ऋषभ ने केबिन के अंदर आते हुए कहा, बॉस बाहर निखिल सर आए हुए हैं। उसकी बात सुनकर हरमन ने तुरंत उससे कहा, निखिल सर आए हैं तो उन्हें मेरे केबिन में भेजो ना, तुम बताने क्यों आ रहे हो? हरमन की बात सुनकर ऋषभ ने हां में सिर हिलाया और तुरंत केबिन से बाहर चला गया। धरा ऋषभ के जाते ही हरमन के केबिन से निकलने लगी और तभी दरवाजा खोलते ही धरा को निखिल आता दिखा और धरा ने निखिल को देखकर बड़ी रेस्पेक्टफुली कहा, हेलो निखिल सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? निखिल ने धरा को देखा और कहा, मैं अच्छा हूं, और धरा तुम कहां जा रही हो? आओ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। धरा ने जैसे ही निखिल की बात सुनी, धरा चुपचाप निखिल के पीछे केबिन में आई और निखिल कुर्सी पर बैठा और धरा वहीं निखिल के बगल में खड़ी रही। धरा को खड़ा देखकर निखिल ने कहा, बैठो धरा। निखिल के बोलते ही धरा चुपचाप उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और निखिल ने हरमन और ऋषभ की तरफ देखकर कहा, कल क्रिसमस है तो मिहिर सर ने मुझसे यहां पर क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज कराने की बात की है। निखिल की बात सुनते ही हरमन खुश होते हुए बोले, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी हमारे कई सारे वर्कर्स क्रिश्चियन हैं और वो क्रिसमस के लिए छुट्टी लेना चाह रहे थे। निखिल उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, वो मिहिर सर ने भी इसीलिए कहा कि वर्कर्स के साथ मीटिंग भी हो जाएगी और क्रिसमस भी सेलिब्रेट हो जाएगा। धरा ने निखिल की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मिहिर सर यहाँ आएंगे कल? निखिल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मिहिर सर भी आएंगे और स्टोन शॉप के भी सारे वर्कर्स को बुला लेंगे। मैं अभी काव्या को कॉल कर दूंगा और टी हाउस की भी वर्कर्स को बुला लूंगा। और धरा तुम यहाँ के सभी वर्कर्स को ये बात बता दो और आज के वर्क को यहीं पर रोक दो और कल की पार्टी का अनाउंसमेंट करो, ठीक है? धरा इतना सुनकर अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और केबिन से बाहर निकलकर सभी वर्कर्स को ये बात बताने के लिए बाहर आ गई। निखिल और हरमन क्रिसमस पार्टी को लेकर ही और कोई बात करने लगे। धरा जैसे ही केबिन से बाहर निकलकर आई, ऋषभ की नजर धरा पर ही टिकी हुई थी। धरा सारे वर्कर्स के बीच में आई और उसने तेज आवाज में कहा, आप सभी अपना काम प्लीज बंद करिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। धरा की बात सुनकर सारे वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया और वो सभी धरा की बात बड़ी गौर से सुनने लगे। ऋषभ एक टक धरा को देखे जा रहा था, लेकिन धरा ने ऋषभ की तरफ नहीं देखा। धरा ने सभी वर्कर से कहा, कल क्रिसमस की पार्टी मिहिर सर की तरफ से हो रही है और आप सभी को पार्टी में आना है क्योंकि मिहिर सर को सभी वर्कर से मिलना और बात करना है, इसलिए आप सभी अपना काम फिनिश कर लीजिए और कल के लिए कोई भी काम पेंडिंग मत छोड़िएगा, ठीक है? धरा सभी वर्कर्स को कल की पार्टी के बारे में बता ही रही थी कि तभी पीछे से हरमन और निखिल आए और निखिल ने धरा से कहा, धरा पार्टी के खाने का इंतजाम मैं और काव्या देख लेंगे और वो हम कल ही सब ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन इस हॉल का काम फिनिश होने के बाद इसे क्लीन करवाओ और इसे डेकोरेट करवाने की जिम्मेदारी तुम कुछ वर्कर के साथ मिलकर कर लो, ठीक है? डेकोरेशन तुम कर लोगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? धरा ने बिना किसी झिझक के कहा, नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेकोरेशन देख लूंगी मैं। निखिल ने अपनी जेब से सनशाइन ग्रुप का एक क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे धरा को देते हुए कहा, ये लो धरा, इस कार्ड में कुछ पैसे हैं और तुम अच्छी से अच्छी चीजें डेकोरेशन के लिए लेकर आना, मैं नहीं चाहता मिहिर सर थोड़े भी डिसअपॉइंटेड हूँ, है ना? ये लो। धरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी सर कि किसी तरह की कोई कमी ना हो। निखिल ने हरमन से हैंडशेक करते हुए कहा, तो फिर ठीक है हरमन जी, मैं अब निकलता हूँ और कल मिलते हैं। हरमन ने मुस्कुराते हुए निखिल से कहा, ठीक है निखिल सर, मैं अभी धरा बिटिया को कुछ वर्कर के साथ डेकोरेशन की शॉपिंग के लिए भेज देता हूँ और कल तक सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? निखिल ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से सीधे स्टोन शॉप की तरफ काव्या से मिलने चला गया। हरमन ने धरा की तरफ देखकर कहा, धरा बिटिया तुम एक काम करो, कुछ वर्कर्स को लेकर चली जाओ और डेकोरेशन का सामान ले आओ। धरा ने हरमन की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया
और ऋषभ की तरफ धरा देख ही रही थी कि तभी ऋषभ ने अपने मन में सोचा, धरा तो मुझे ही अपने साथ शॉपिंग करने के लिए बोलेगी, इसी शॉपिंग टाइम में मैं धरा से बात कर लूंगा, वैसे भी उस दिन के बाद से हमारी ठीक से बात नहीं हुई। ऋषभ इतना सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी धरा ने हरमन की तरफ देखकर कहा, अंकल मैं अपने साथ शॉपिंग के लिए रेनू और विकास को लेकर जाऊंगी। धरा की बात सुनकर हरमन ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, रेनू और विकास तुम दोनों इधर आओ और धरा के साथ शॉपिंग के लिए बाहर जाओ, है ना। रेनू और विकास तुरंत धरा के पास आकर खड़े हो गए और ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि ऋषभ को समझ नहीं आया धरा ने उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए क्यों नहीं कहा। धरा के इस बिहेवियर से ऋषभ को बहुत ज्यादा उलझन हो रही थी। धरा ने हरमन से कहा, हरमन अंकल जब तक मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ आप सारे वर्कर से बोल दीजिए कि वो अपना काम फिनिश कर लें और हॉल को क्लीन करवा दें, ओके। हरमन ने जैसे ही धरा की बात सुनी, हरमन ने तुरंत ऋषभ को अपने पास बुलाया और कहा, ऋषभ इधर आओ, और तुमने सुना ना धरा ने अभी क्या कहा, सारे वर्कर्स का काम फिनिश होते ही पूरे हॉल को साफ करवा देना और मैं अपने केबिन में हूं, अगर मुझसे कोई भी बात करनी हो तो सीधे केबिन में आ जाना। ऋषभ ने हरमन की बात पर सिर्फ हां में सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हरमन वहां से अपने केबिन चला गया और विकास धरा के ऑर्डर के लिए खड़ा था। धरा ने विकास की तरफ देखा और कहा, जाओ विकास जाकर ऑफिस की गाड़ी निकालो, रेनू तुम्हें अगर अपना कोई सामान लेना है तो वो ले लो, चलो हम तीनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं। धरा रेनू और विकास को ऑर्डर देके वहीं पर खड़ी थी और वो दोनों वहां से चले गए। ऋषभ धरा की बातें सुन रहा था और उन दोनों के जाते ही ऋषभ ने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहा, क्या बात है धरा, तुमने मुझे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए क्यों नहीं कहा, और तुम रेनू और विकास को क्यों लेकर जा रही हो, ऐसे तो मैं हर जगह पर तुम्हारे साथ जाता हूं ना। धरा ऋषभ की बात सुनकर उसको इग्नोर करते हुए बोली, सर ने तुम्हें जो काम बोला जाकर उसे करो, और वैसे भी ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर जगह पर सिर्फ तुम ही जाओगे, सारी जिम्मेदारियां तुमने ही थोड़ी ना ले रखी हैं। ऋषभ धरा की बात सुनकर दांत पीसते हुए बोला, लेकिन यहां पर बात तुम्हारे साथ जाने की थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं चूज किया। इतना बोलते हुए ऋषभ की आंखों में एक अलग ही नाराजगी नजर आ रही थी जिसे धरा साफ साफ समझ रही थी, लेकिन धरा इस टाइम ऋषभ की नजरों से अपनी नजरें नहीं मिला पाई और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी रेनू धरा के बगल में आई और बोली, चलिए मैम मैंने अपना सामान ले लिया। धरा ने रेनू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो चलते हैं। ऋषभ वहीं पर खड़ा था और धरा ने ना ही उसकी कोई बात का जवाब दिया और ना ही उसकी तरफ देखा, वो चुपचाप बाहर चली गई। धरा को इस तरह दूसरे वर्कर के साथ जाते देखकर ऋषभ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तभी ऋषभ ने अपनी कही हुई बात याद की और वो चुपचाप काम में लग गया। मिहिर वापस ओल्ड सिटी पहुंचा। इस बार वो चेतन के घर के अंदर नहीं गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थे और इस हालत में वो उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाते, इसलिए मिहिर ने उनके आस पड़ोस के लोगों से चेतन के बारे में बात करने का फैसला किया। मिहिर ने अपने मन में कहा, अब अगर मैं वापस यहां पर आया हूं तो ये पता तो लगाकर ही रहूंगा कि आखिर चेतन की ऐसी हालत हुई क्यों है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। मिहिर इतना सोचकर आसपास देखने लगा और चेतन के बिल्कुल बगल वाले घर पर मिहिर की नजर पड़ी और मिहिर ने उस घर के मेन गेट पर खटखटाया। मिहिर के दरवाजा खटखटाने पे एक काफी उम्रदराज औरत ने दरवाजा खोला और मिहिर ने औरत की तरफ देखकर कहा, हेलो आंटी, मेरा नाम मिहिर है और मैं यहाँ पर मिस्टर चेतन शर्मा से मिलने आया था, लेकिन वो इस टाइम काफी नशे की हालत में है और मुझे उनके बारे में कुछ बातें पूछनी है, क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं। उस औरत ने जैसे ही चेतन का नाम सुना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई और मिहिर को उसने काफी इज्जत के साथ अपने घर के अंदर बुलाया और मिहिर को बैठने के लिए कहा। मिहिर चुपचाप वहां बैठ गया और उस औरत ने मिहिर को पानी का गिलास देते हुए कहा, तुम्हें चेतन जी के बारे में जानना है कि उनकी हालत ऐसी क्यों है, है ना, मैं तुम्हें उनके बारे में थोड़ा कुछ बता सकती हूँ। चेतन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उसने कई सारी और सिटीज की डिजाइन तैयार की है और उन्हें रिन्यू किया है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से चेतन ने अपनी ऐसी हालत बना रखी है और अब वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। मिहिर उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और तभी उस औरत ने आगे कहा, लगभग 10 से 12 सालों से चेतन ने अपनी ऐसी हालत बना रखी है, हालांकि हमेशा से वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो शराब पीने और रोने के अलावा और कुछ नहीं करता। हाँ कभी कभी जब चेतन नशे में नहीं होता तो वो कुछ पेंटिंग्स और स्केचेस बनाता है, लेकिन सबसे छिपकर। जैसा अभी तुम चेतन और उसके घर का हाल देख रहे हो, असल में हमेशा से वो और उसका घर ऐसा नहीं था।
पहले चेतन की भी अपनी अलग खुशहाल जिंदगी थी। अगर चेतन की भी खुशहाल जिंदगी है तो ऐसा क्या हुआ जिसे चेतन ने अपनी ऐसी हालत बना ली? क्या मिहिर को चेतन की ऐसी हालत होने की पूरी वजह पता चल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।